సదాశివ పట్టణంలోని ఎంఐఎం పార్టీ అధినేత అసౌద్దీన్ ఓవైసీ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ సభలో బీజేపీని ఉద్దేశించి హాట్ కామెంట్ చేశారు. लेकिन सदर मोहतरम के पास वक्त नहीं है, इसीलिए मैं चंद बातें सदर मोहतरम की मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. शहनशीन पर तशरीफ फरमा दीगर हजरात में अगर फर्दन फर्दन आपका नाम और हमारे अराकीन ने बल्दिया का जो पिछले 3 दिन से रात दिन जो मेहनतें कर रहे हैं, मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस अजीम शान जलसे को कामयाब करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज. सदर मोहतरम से मुखातिब नहीं नहीं असद भाई अपने से, मगर जरा माहौल देखो, माहौल क्या देखने का है. नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं कर सकते, जहर का मुकाबला जहर से नहीं कर सकते, डर का मुकाबला डर पैदा करने से नहीं कर सकते. नफरत का मुकाबला करना है तो मोहब्बत से करो, डर का मुकाबला करना है तो बेखौफ होकर करो, मोहब्बत करो. ये कैसी मोहब्बत तुम्हारी, आप बताओ. मेजर पार्लियामेंट हल्के में करीब 1.5 लाख के करीब क्रिश्चियन वोट है. तेलंगाना में क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं है. अब मेजर का जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, आज याद रखना मेरी बात को, एक बहुत बड़ी शख्सियत मेजर के पार्लियामेंट इलेक्शन में इलेक्शन लड़ेगी. 1.5 लाख के करीब क्रिश्चियन वोट और हम तो माशाल्लाह उसमें अच्छे खासे हैं, मगर जब इलेक्शन होगा, अरे भाई देखो क्या हो रहा. अरे मेरे दोस्त, बीजेपी की जब से हुकूमत बनी है सबसे ज्यादा निशाना किसको बनाया गया है? गोश्त के नाम पर अखलाक को मारा गया, आग को नहीं मारा जाता. गोश्त के नाम पर पीलू रघुवर को मारा गया, आपको नहीं मारा जाता. प्रधानमंत्री ने कहा कि कपड़े देखकर पहचानो, जेलों में हमको डाल दिया गया. देश के गद्दारों को गोली मारो, गैस गैस बोले तो पुलिस की कस्टडी में हाथों में जंजीर है, गोली मार दी गई. 8-8 लाख की बंदूक है, 16 लाख की जो बंदूक है जो भारत में बैन है, गोली मार दी. अरे हम मर रहे जेल में, हम सड़ रहे, पीटा हमको जा रहा है, गालियां हमको दी जा रही है, देश सही का इल्जाम मुझ पर पड़ता है. बताओ ऐसे माहौल में क्या कर रहे हैं लोग? नहीं खरीद बताओ, हम है ना तुम्हारे लिए, तुम क्या कोई पिक्चर के हीरो है? सुपरमैन की तरह ही आ जाए, कहीं नजर नहीं आते. हम तमाम से कह रहे बशमूल टीआरएस की हुकूमत से, याद रखो फिरका परस्ती का ये नाक साफ अपना सर उठा रहा है. अगर तुम इस नाक साफ का मुकाबला नहीं करोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा. अरे मैं तो 75 साल से लड़ते आया हूं, मेरे बाप दादा लड़ते आए, मेरे बाप दादा कुर्बानियां देते आए, मेरे बाप दादा अपनी जान और माल को कुर्बान किए, मगर तुम क्या कुर्बानी दे सकते हो? तुमको जिंदगी का खौफ, मुझे मौत का डर नहीं. तुमको जेल से डर, अरे हमको तो दुनिया हमारे लिए जेल है. बताओ, सोच लो हमारी बात को, 2024 में अगर बीजेपी को हराना है किलोमीटर की 5 या 6 किलोमीटर का मेट्रो है, वो सभी लाइन आ जाती है अब तक. मगर बीआरएस की हुकूमत माइंड स्पेस से हाईटेक से लेके शमशाबाद तक 31 किलोमीटर की अब मेट्रो रेल की लाइन डालना चाह रही. ओल्ड सिटी में जो एक हिस्सा बाकी है फलक के मातक, उसको 500 करोड़ रुपये होना, मगर बीआरएस की हुकूमत जो है माइंड फल हो गई. मास्टरिंग मेरे हाथ में है. आखिर क्या हो रहा है, यही तो आपको बताना चाह रहा हूं. फिर यहां पर आप देख लो, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर 2021 में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाकर बीआरएस हुकूमत को दिया,
कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को दलित बंधु की स्कीम में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे, हमने पूरा डेटा बनाकर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में उसमें 5% मुसलमान बिलो पावर्टी लाइन के। हमने ये बीआरएस की हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो बीपीएल में, उसमें से 1% को 1% मुस्लिम को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा था खाली उसका? 900 करोड़ रुपये। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से, 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है, 1,70,000 करोड़ का, 900 करोड़ का मोले बीआरएस को मस्टेरिंग मेरे हाथ में है। बोलो ना क्यों नहीं देते गरीबों को, जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो बीपीएल फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के बीपीएल दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में, अब तो उनको भी दो। मगर बदनाम मैं हो जाता हूं कि वो ऐसी इस तरह का तकरीर करता है। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? 900 करोड़ रुपयों के खाली डीपीटी और कितना रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1.1 लाख 70 हजार करोड़ के बराबर। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। उस 1600 पोस्ट को फिल करो, गाड़ी की स्कीम का क्या हुआ बताओ नहीं तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। बीजेपी बोलते पाताबस्ती सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ओएसी के आपके चेयरिंग है, फाइनेंस मिनिस्टर तेलंगाना बोलते कि हर असेंबली हॉल में हम एक दवाखाना खोलेंगे 100 बेड का, बहुत अच्छा है खोलिए आप, गरीबों को फायदा होगा। मगर उस अस्पताल को चलाने डॉक्टर कहां से आएंगे? मैं पिछले 5 साल से पुकार रहा हूं, अरे उस्मानिया हॉस्पिटल को बनाओ, नई बिल्डिंग है बनाओ। मीटिंग लिए पिछले साल मई में फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, महमूद अली डिप्टी सीएम बैठे थे मर्री चन्ना रेड्डी के एचआरडी ऑफिस में, बोले कि तो कोई सुरक्षा बनाए, ऐसा बनाएंगे, पुरानी बिल्डिंग को रखेंगे, इसके खिलाफ ऐसा बनाएंगे, वो बनाएंगे, 1 घंटे का पूरा बाजा बजा रहे। बोला भाई साहब सब छोड़ दो, बनाते कब बोलो, बनाते कब ये बोल दो? साउथ तेलंगाना का सबसे बड़ा मरकज उस्मानिया हॉस्पिटल, अब आप देखोगा कि निम्स में 2022 वार्ड का एक्सटेंशन हो रहा, वारंगल में अस्पताल बन गया बहुत अच्छा। वो जब साइकिल वाला जो हम के पेंटिला मार मार के भाग गया आंध्रा को, वो नायडू गांधी का दवाखाना बनाया, उस्मानिया का नहीं बनाया? अरे उस्मानिया के नाम से नफरत क्यों है मेरे को बताओ? मैं तो खड़े के बोला कि अगर तुमको बिल्डिंग पसंद नहीं तोड़ दो उसको, मगर गरीब परेशान हो रहा, हिंदुस्तान का मशहूर मेडिकल कॉलेज है बनाओ उसको आप, मगर नहीं, निम्स को बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? वो सिर्फ ओल्ड सिटी के गरीबों के लिए नहीं है, पूरे साउथ तेलंगाना के गरीब परेशान, मगर बनाना नहीं चाहते आप। ओल्ड सिटी में 6 किलोमीटर का एक मेट्रो है, 500 करोड़ नहीं, आप माइंड स्पेस से शमशाबाद